उसी समय सदुकी संप्रदाय के कुछ लोग, जिनकी ये मान्यता है कि पुनरुत्थान जैसा कुछ नहीं होता, यीशु के पास आए और उनसे प्रश्न करने लगे। गुरुवर, मोशे की शिक्षा है, यदि कोई पुरुष निसंतान हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। इस विषय में एक घटना इस प्रकार है। एक परिवार में 7 भाई थे। पहले का विवाह हुआ किंतु उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए कि वो निसंतान था, वो अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। ऐसा ही दूसरे तीसरे भाई से लेकर 7वें भाई तक होता रहा। अंत में उस स्त्री की भी मृत्यु हो गई। अब ये बताइए कि पुनरुत्थान पर वो किसकी पत्नी कहलाएगी, क्योंकि उसका विवाह तो 7 भाइयों से हुआ था। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोग बड़ी भूल कर रहे हैं। आपने ना तो पवित्र शास्त्र के लेखों को समझा है और ना ही परमेश्वर के सामर्थ्य को। पुनरुत्थान में ना तो लोग वैवाहिक अवस्था में होंगे और ना ही वहाँ उनके विवाह होंगे। वहाँ तो वे सभी स्वर्ग दूतों के समान होंगे। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या आपने पढ़ा नहीं कि परमेश्वर ने आपसे ये कहा था, मैं ही अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर तथा याकूब का परमेश्वर हूँ। वो मरे हुओं के नहीं परंतु जीवितों के परमेश्वर हैं। भीड़ उनकी शिक्षा को सुनकर चकित थी। जब फरीसियों को यह मालूम हुआ कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, वे स्वयं एकजुट हो गए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने यीशु को परखने की मनसा से उनके सामने ये प्रश्न रखा, गुरुवर, व्यवस्था के अनुसार सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, अपने सारे प्राण तथा अपनी सारी समझ से प्रेम करो। यही प्रमुख तथा सबसे बड़ी आज्ञा है। ऐसी ही दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से करते हो। इन्हीं दो आदेशों पर सारी व्यवस्था और भविष्यवाणियां आधारित हैं। वहां इकट्ठा फरीसियों के सामने यीशु ने यह प्रश्न रखा, मसीह के विषय में क्या मत है आपका? किसकी संतान है वो? दाविद की, उन्होंने उत्तर दिया। तब यीशु ने उनसे आगे पूछा, तब फिर पवित्र आत्मा से भरकर दाविद उसे प्रभु कहकर संबोधित क्यों करते हैं? दाविद ने कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरी दाईं ओर बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन न कर दूं। यदि दाविद मसीह को प्रभु कहकर संबोधित करते हैं तो वो उनकी संतान कैसे हुए? इसके उत्तर में न तो फरीसी कुछ कह सके और न ही इसके बाद किसी को भी उनसे कोई प्रश्न करने का साहस हुआ।